नमस्कार, सुप्रभात। आज हम दो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। एक तो मिल्क दूध के क्या नुकसान है, और दूसरा है बॉडी में मौजूद हमारे जो सेल्स हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इन दो टॉपिक्स पे आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं दूसरा वाला टॉपिक उठाता हूँ, सेल्स की इम्पोर्टेंस का। देखिए, मैं पीछे वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि हमारे शरीर के अंदर जो मौजूद सेल हैं उनमें खुद का दिमाग है, ठीक है। सब कुछ वो अपने आप में परिपूर्ण हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक इंसान हैं, वैसे ही एक एक सेल एक एक इंसान है, ठीक है। यानी कि वो सब अलग अलग हैं और उनके ही कोऑर्डिनेशन से हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो चलता है। अब आप मान के चलो कि मैं एक उदाहरण देता हूँ कि भाई आप अपने घर में, ठीक है, आपके फैमिली के जो सदस्य हैं उनके साथ अगर आप कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत नहीं करेंगे, तो क्या वो सब कोऑर्डिनेशन से काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कोई इधर जा रहा है तो कोई उधर जा रहा है, सब अपनी मनमर्जी करेंगे, तो एक कोऑर्डिनेशन से काम नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें फैमिली में कोऑर्डिनेशन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैमिली के साथ बैठना पड़ेगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे से प्यार मोहब्बत रखना पड़ेगा, एक दूसरे का हाल चाल पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा। इस प्रकार से जो ठीक वही सेम चीज़ यहाँ भी है, ठीक है। सेल्स की मैं अगर बात करूँ, एक एक बॉडी के सेल्स की, तो इसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आज की तारीख में आप टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है, बैठे यहाँ पे है लेकिन माइंड कहीं और चल रहा है। कैसे इतने सारे पैसे बना लूँ, या कुछ अन्य प्रकार की चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं। तो ये चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी और इनके साथ, ये जो बॉडी के जो सेल्स हैं एक एक, इनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इस शरीर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप शरीर में तो हैं लेकिन इसके साथ नहीं, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और घूम रहा है। डिप्रेशन की भी एक बहुत बड़ी वजह है यही, कि हम अपने शरीर के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करते, सारा दिन इधर उधर सोचते रहते हैं, इधर उधर की बातें सोचते रहते हैं। शरीर यहाँ बैठा है, दिमाग कहीं और घूम रहा, भटक ही जा रहा है इधर उधर, और चिंताएं पता नहीं क्या क्या कर ही जा रहा है। तो इसलिए आपको अपने शरीर के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये एक एक बॉडी के सेल, ठीक है, तभी ये कोऑर्डिनेट हो पाते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते खाते अटक जाता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम विचारों में कहीं और घूम रहे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है, जो यहाँ पे देखिए एक चीज़ लगी हुई है जो श्वास नली और फूड नली को जो है वो करती है। जब भी खाना आया तो वो एक, मतलब कि वो लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है। खाना आया तो ऐसे खुल जाएगा और हवा आई तो ऐसे खुल जाएगा, मतलब उधर उस साइड खुल जाएगा, हवा आई तो उधर उस साइड, और खाना आया तो इस साइड खुल जाएगा, है। फिर एक साइड खुलेगा दूसरी तरफ बंद भी हो जाएगा, ताकि ऐसा नहीं है कि भोजन जो है सांस नली में चला जाए, ठीक है। पता लगा सांस जो है वो भोजन नली में चला जाए, भोजन नली में सांस चला जाएगा तो नहीं दिक्कत है, लेकिन भोजन अगर सांस नली में चला जाएगा तो दिक्कत है। ये क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि आप कहीं और ख्यालों में घूमते, ठीक है, और वो जो वो बॉडी पार्ट है वो कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाया माइंड के साथ। अरे माइंड यहाँ रखोगे प्रेजेंट में तो तभी तो कोऑर्डिनेट कर पाए। वही सेम चीज़, ये उदाहरण मैंने आपको दे दिया, उसी तरह से ये बॉडी के एक एक सेल्स जो है तभी कोऑर्डिनेट होके काम कर पाएंगे जब आप प्रेजेंट में रहेंगे। आप देखेंगे मैक्सिमम जो बीमारियाँ हैं खाने के साथ साथ दिमाग से भी जुड़ी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये काम नहीं करना है, अपने शरीर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना ही करना है, इन सेल्स के साथ आपको टाइम स्पेंड करना ही करना है, अपने शरीर से प्यार आपको करना ही करना है। इन सेल्स से प्यार करोगे तो ये आपसे प्यार करेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल है ये सब, ये जितने सेल्स हैं बॉडी के अंदर ये अलग नहीं है भाई, सब इंडिविजुअल है। आप इनसे प्यार नहीं करोगे देखिए तू ही जा भाड़ में, ठीक है। आप इनसे नफरत करोगे तो ये भी नफरत करेंगे और आपके शरीर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्या फ़ायदा होगा, ठीक। तो इसलिए जो है इन इंडिविजुअल्स के साथ आपको जो है वक्त आपको बिताना है, अपने शरीर के साथ वक्त बिताना है। सो ये तो रहा जी सेकंड टॉपिक, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे कि एक सेल्स जो है अपने आप में एक
जैसे मैं एक अनमोल हूँ अपने आप में, सारे अनमोल है ढेर सारे, ठीक है। सो आइए अब हम नेक्स्ट चीज़ पर डिस्कस करते हैं, मिल्क, दूध के क्या नुकसान है। देखिए जैसे दूध के तो हम सबको पता ही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, ठीक है, डेफिनेटली कोई उसमें डाउट ही नहीं है, ठीक है। मेरा TSH लेवल बढ़ा बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैं दूध पीता था, मुझे थायराइड की समस्या है क्योंकि मैं दूध पीता था, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये सारे हमें नुकसान तो पता ही है, ठीक है। साथ ही ये भी पता है कि दूध गैस बनाता है, कॉन्स्टिपेट करता है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाए यहाँ से कॉलन्स में तो उसी से सारी बीमारियाँ होती है, सारे के सारे रोग जो है वही से शुरू होते हैं। लेकिन अभी मैंने क्या चीज़ देखा है, आज मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। आप सबको पता है कि मैंने त्रिफला के साथ मैंने मिल्क दूध लिया था, ठीक है, और एक दिन मैंने दूध पी के हल्दी खाया, तो हल्दी का फ़ायदा मुझे पता चला और वो कल डिस्कस कर चुका हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि दूध के नुकसान क्या है, क्या दूध के क्या नुकसान मुझे समझ में आए हैं जो भी बताया उसके अलावा, ठीक है। देखिए दूध जो है कफ बनाता है, आपका छाती जाम कर देगा, कब खाएंगे तो कफ बनाएगा, कफ का टाइमिंग क्या है और कफ के गुण क्या है, ये दोनों बातें आप समझें, ठीक है। आयुर्वेद, जैसा कि अगर आप मेरा चैनल प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो मैं आयुर्वेद के बारे में इतनी सारी बातें बता चुका हूँ, ठीक है, गुण है और वो चीज़ें। तो कफ का जो गुण है, एक तो वो ठंडा है और ऊपर से वो चिपचिपा है, ठीक है, ये कफ के गुण है, ठीक है, ठंडा है, चिपचिपा है, दो बातें हो गई। दूध क्या है, दूध भी चिपचिपा है, ठीक है, मलाई जो होती है चिपचिपी होती है ना, ठीक है, नंबर एक बात ये होगी। और दूसरा जो है, अब जैसे कि मैंने त्रिफला खाया, रात में खाया, त्रिफला ठंडा होता है, ध्यान रहे, ठीक है, त्रिफला जो है ठंडा होता है, और अगर एक्चुअली हो सकता है मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लिया हो, ठीक है, तकरीबन मेरे ख्याल है 15 ग्राम मैंने खाया था, ठीक है। तो वैसे तो रसायन है, नुकसान तो नहीं करता है अगर सही टाइम पे खाओ, लेकिन गलत टाइम पे खाओगे तो डेफिनेटली दिक्कत करेगा। तो अब कफ के गुण है ठंडा और ये जो है चिपचिपा, रात में, रात क्या होती है ठंडी, और वैसे भी अभी सर्दियां पड़ रही है तो ठंडी प्लस ठंडी ज़्यादा ठंडी, ठीक है। अब ऊपर से आपने त्रिफला भी खा लिया और ऊपर से चिकनाई वाली चीज़ भी खा लिया, ठीक है, दूध क्या है, चिकना ही तो है, चिकना कफ ऑलरेडी चिकना है, चिकना प्लस चिकना, और ठंडा प्लस ठंडा, कफ ठंडा है, रात भी ठंडी, ठीक है, वैसे ही सर्दियां पड़ रही है तो ठंडा प्लस ठंडा एक्स्ट्रा ठंडा, तो हुआ क्या कि दोष गया बढ़, ठीक है। अब आप देख रहे हल्का फुल्का, मुझे अभी जुखाम हुआ नहीं है और मुझे ईश्वर की कृपा से मुझे लग नहीं रहा जुखाम होगा, ये बस वैसे ही थोड़ा सा जो है पानी वानी निकल रहा है, ठीक हो जाएगा, अगर होना होता तो आज मुझे हो गया होता, क्योंकि मैंने इसका ट्रीटमेंट पहले ही कर दिया, आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ, इतनी नॉलेज तो हो ही चुकी है भाई कौन सा दोष बढ़ रहा है, उसको सिरे को नीचे कैसे जाना जंप करके, है ना। तो इस तरह से जो है मैंने कल काली मिर्च मुंह में डाल के रखा था, है ना, और ये पिंपली जो होता है, पिंपली, ठीक है, मुझे पता नहीं था पिंपली, किसी ने मुझे बताया, चलो हाँ पता भी चल गया पिंपली का। इसके अलावा लौंग, है ना, गर्म होती है, ये गर्म चीज़ होती है, तो मुँह में डाला मैंने और डाल के रखा 5-7 मिनट, उसको निकला नहीं क्योंकि गर्म बहुत था, और निकला नहीं गलती से, नहीं तो आपको छाला कर देगा अंदर, ठीक है। तो मुंह में ही रखा और मुंह से ही आपको पता है अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ये गर्म चीज़ें तो वैसे ही सीधे पहले माइंड में ही हिट करती है एकदम से, जुम वगैरह के माइंड में ही जाती है, ठीक है, पहले माइंड की मसल को एकदम रिलैक्स कर देंगे, ठीक है। तो जिनको मसल की समस्या है ना, जैसे माइंड में किसी का मसल स्ट्रेच हो जाता है, जैसे आप फील करते होंगे ना भाई जकड़ा रहता है, बस जाके ये खा लेना, ये गर्म चीज़ें एकदम माइंड एकदम वो जो जकड़न है ना वो कर देगा। अब जकड़न भी एक प्रकार से ये ठंड को रिप्रेजेंट करता है, जो जकड़न है वो ठंड को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ही गर्म डालते हैं, गर्म चीज़, मतलब ये गर्म चीज़ें हैं ना, जैसे कि काली मिर्च और ये जो मैंने सारी चीज़ें बताया, लौंग, ये सारी चीज़ें गर्म हैं, ठीक है, या अदरक, तो गर्म क्या, गर्म एकदम से ये जो नसें होती हैं एकदम खोल देता है, झम कर, ठीक है। तो इसलिए जो अगर सिर दर्द वगैरह हो तो कभी भी आप जो इसको खा सकते हैं, ठीक है, जकड़न की वजह से। कई बार शरीर में, ये सिर में बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट भी हो जाती है, तो उस वजह से भी होता है, तो फिर इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है, और गर्मी तो, और गर्मी प्लस गर्मी ज़्यादा गर्मी, फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। खैर हम कफ की बात कर रहे थे, तो इस तरह से जो है रात में ठंडा
और कफ ऑलरेडी ठंडा 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 करके जो है ये मुझे जो है जुखाम थोड़ा थोड़ा लग रहा है, हुआ नहीं है अभी। सो ये दूध के नुकसान है, ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि अभी तक मैंने दूध नहीं पिया पूरे एक साल का, और ईश्वर की कृपा से मुझे ज़ुकाम नहीं हुआ एक साल में। एक साल में ज़ुकाम नहीं। आप पीछे देखोगे तो जुलाई से वीडियो बना रहा हूँ, लगातार वीडियो बना रहा हूँ, एक भी दिन का बिना गैप किए, ठीक है। सो ज़ुकाम नहीं हुआ, अभी भी नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ नहीं ही होगा। अगर होना होता तो आज हो जाता, ठीक है। हल्का फुल्का थोड़ा बहुत पानी वानी निकल रहा है, सो दैट इज़ नॉट, ये ज़ुकाम नहीं है, कोल्ड नहीं है, ठीक है। तो ये दूध के नुकसान है जी। आप इस टाइमिंग पे लेंगे, खाएंगे दूध, ठीक है, तो आपके छाती में जमा हो जाएगा, वही बलगम के रूप में निकलता है। मुझे बलगम निकला ही आज तक कभी नहीं, कि दूध पिया ही नहीं। अरे दूध पिएंगे तभी तो बलगम बनेगा, सीधी सी बात। तो बलगम मतलब दूध, सीधा सा पढ़ना, बलगम मतलब दूध। आपकी छाती में बलगम जम रहा है, दूध पी रहे हैं आप, दूध चाय पी रहे हैं, उसी के थ्रू जा रहा है। तो दूध और दूध से जुड़े प्रोडक्ट आपको कम्प्लीटली बंद कर देना है, ठीक है। और अन्य कई इसकी हानियाँ मैं ऑलरेडी शुरू में ही वीडियो के शुरू में ही बता दिया था आपको, और ये एक एक्स्ट्रा, ये भी छाती जाम कर देगा आपके, ये जो कफ संबंधी जितनी समस्या है, ये देख रहे हैं, ये कफ को प्रेजेंट करता है। इससे जुड़ी, सांस से जुड़ी कितनी भी समस्या हो रही है आपको, ठीक है, और या फिर टीवी है, दमा है, इस तरह की कुछ भी समस्याएँ हैं यहाँ से रिलेटेड इस छाती में, ठीक है, तो ये कम्प्लीटली मिल्क आप जो है बंद कर दें। तो कल के परसों के एक्सपेरिमेंट से हमने ये सीखा दूध के क्या नुकसान है। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ जो है सिखा पाया हूँ। धन्यवाद।